हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ज्योमेट्री में एक नया पार्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल को भी हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। इस पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, इसमें हम एंगल्स और साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे ट्रायंगल का। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइंस और एंगल्स के बारे में, तो ये ट्रायंगल क्या है देखिए, इसी में इसका मतलब छुपा हुआ है। ट्राय का मतलब तीन होता है, एंगल का मतलब कोण होता है। तो तीन कोण वाला फिगर जो एनक्लोज्ड हो, जो इस प्रकार दिखता है तीन लाइन के साथ, यहां पर जब हम एक एनक्लोज्ड फिगर बनाए तो यहां पर ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, इसी को क्या कहते हैं, एंगल, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसके एंगल्स और साइड्स के ऊपर जितने भी तमाम तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के पैटर्न को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपका SSC CGL और CHSL का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रिपरेशन हो रहा है, जिसका फायदा हमारे साथ जुड़कर उठा सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स, एंगल्स एंड साइड्स। तो देखिए, सबसे पहली बात, हम बात करें ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, इसके लिए दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। पहला होता है भाई, इसको एंगल्स के बेस पे हम क्लासिफाई करें। दूसरा हो सकता है कि इसको हम भुजाओं यानी कि इसके साइड्स के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करें। तो पहला क्या हो सकता है, कोण यानी एंगल्स के बेस पर इसको क्लासिफाई करें, दूसरा इसके भुजाओं के। एंगल्स की बात करूं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और अगर यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, सम कोण त्रिभुज, और ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें कि अगर एक एंगल ऑब्टूस एंगल हुआ यानी एक कोण अधिक कोण हुआ तो इसे हम अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर एक एंगल राइट एंगल हुआ यानी 90 डिग्री हुआ तो इसे हम सम कोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर एक कोण यहां न्यून कोण हुआ यानी कि सारे के सारे एंगल्स जो है वो न्यून कोण हुए और एक्यूट एंगल हुए तो इसे हम न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यह हुआ एंगल्स के बेस पे क्लासिफिकेशन। साइड्स के बेस पे कहें तो सारे के सारे अगर यहां पर साइड्स अनइक्वल हो गए, यानी कि ए बी सी यानी ए बी और सी यानी तीनों के तीनों साइड्स जो है वो अनइक्वल हो गए तो इसे हम स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम कोण, विषम कोण कहते हैं। ठीक है, अगर विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर दो साइड्स इसके इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल नहीं हुआ तो इसे हम कहते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। इसे हम हिंदी में कहेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल इंग्लिश में। यदि तीनों के तीनों साइड्स इक्वल हो गए तो इसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं यानी सम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये क्या है, सम द्विबाहु। ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और ये क्या है, तो सम बाहु त्रिभुज है यानी कि सारे के सारे इसके साइड्स इक्वल हो गए तो इसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, इसे आइसोसेलस ट्रायंगल। ये आपका हो गया विषम यानी कि स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये साइड्स के बेस पे और ये आपके एंगल्स के बेस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, किसी भी ट्रायंगल के तीन साइड्स को, तीन एंगल्स का सम जो है ए बी सी जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमेशा 180 डिग्री होता है। यदि इस साइड को हम आगे बढ़ा दें इस तरीके से पॉइंट डी तक, तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल सी में एक्सटीरियर एंगल ई को जोड़ा जाए तो भी 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर लीनियर पेयर बनता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें, पहले हम कह रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो कि एक त्रिकोण यानी कि त्रिभुज के तीनों साइड्स एंगल्स का सम 180 होता है। फिर हम कह रहे हैं एंगल सी प्लस एंगल ई भी 180 होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल ए प्लस बी है और एंगल ई है ये दोनों इक्वली तो होने से, क्योंकि पहली बार आप कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, दूसरी बार आप कह रहे हो एक्सटीरियर एंगल प्लस सी बराबर 180, मतलब एंगल ए प्लस बी जो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी ये आपका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये क्या है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, बहिर्कोण है, विपरीत दिशाओं के दो आंतरिक कोणों का योगफल। एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी कहती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए
अब यहां से सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी आप ट्रायंगल बनाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके रखेंगे। कैपिटल ए का मतलब ये वाला बिंदु होता है, कैपिटल बी का मतलब ये बिंदु, कैपिटल सी का मतलब ये वाला बिंदु। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। इस कैपिटल ए के पीछे वाले जो साइड होते हैं उसको हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखिए, ये कैपिटल ए, इसके ऑपोजिट में जो साइड है उसको हम स्मॉल ए से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैपिटल ए एंगल है। इस कैपिटल बी के पीछे वाले साइड को स्मॉल बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये साइड है एसी। और साइड ए बी को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैपिटल सी वाले एंगल के पीछे वाले साइड को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, ए बी और सी। ध्यान ये देना है हमें कि जिस हिसाब से आपके साइड्स रहेंगे उसी हिसाब से आपके एंगल रहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, तो एंगल ए भी बड़ा होगा एंगल बी से और एंगल बी बड़ा हो जाएगा एंगल सी से। जिस हिसाब से आपके साइड्स रहेंगे उस हिसाब से आपके एंगल्स रहेंगे। अगर एंगल साइड इक्वल हो गए तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर ए बराबर बी हो गया तो एंगल ए बराबर एंगल बी भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो यहां पर एंगल्स भी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। तो अगर कोई दो साइड्स इक्वल होता है उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। या फिर ऐसा समझिए कि जो साइड बड़ा होगा उसके पीछे जो एंगल है वो एंगल भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का हुआ, ये वाला एंगल, ठीक, तो बाकी जो दोनों एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, इसको जाहिर सी बात है एक्यूट एंगल ही होना पड़ेगा। एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता, और अगर एक एंगल राइट एंगल है तो बाकी दोनों को न्यून कोण होना भी अनिवार्य हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एंगल सी जो है, एंगल सी ए से भी बड़ा होगा, यानी कि यहां पर एंगल सी जो है ए से भी बड़ा होगा, और एंगल बी जो है वो भी एंगल बी से बड़ा होगा। तो अगर सी सबसे बड़ा एंगल है तो सी के पीछे जो साइड है ये सबसे बड़ा साइड होगा, जिसी को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक, इसको ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड क्यों होता है, ये आपको आज समझ में आ गया होगा। सी सबसे बड़ा होता है ए से भी बड़ा और बी से भी बड़ा, जिसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे भी डिस्कशन करूंगा जब हम डिस्कस करेंगे आपके कोसाइन रूल, साइन रूल के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। ऑब्ट्यूस एंगल में भी ये चीज फॉलो होगा। तो यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल में सी सबसे बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सी सबसे बड़ा एंगल है, तो सी सबसे बड़ा एंगल है, बाकी दोनों जो है वो एक्यूट एंगल है। इसलिए, क्योंकि देखिए, अगर एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो एकमात्र एंगल ही ऑब्ट्यूस हो सकता है। दो एंगल अगर ऑब्ट्यूस होगा तो ट्रायंगल कंप्लीट होता ही नहीं। तो यहां से आप समझिए, एंगल ए एंगल बी दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होंगे, एंगल सी जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा। अगर एंगल सी ऑब्ट्यूस एंगल है तो एंगल सी एंगल ए से भी बड़ा होगा, एंगल सी ऑब्ट्यूस एंगल है तो एंगल सी एंगल बी से भी बड़ा होगा, ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल होगा। साथ में अगर सी जो है, सी अगर सबसे बड़ा एंगल है तो इसके पीछे वाला जो साइड है वो सबसे बड़ा साइड बन जाएगा, यानी सी ए से भी बड़ा, सी बी से भी बड़ा। ठीक है, ये साइड्स की बात हो गई। चलिए, बाकी चीजें और भी कुछ बातें हैं जो मैं कोसाइन रूल जब डिस्कस करूंगा, जो आने वाले वीडियो में होगा, तब मैं आपको और भी चीजें इसमें बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतनी चीजों को नोट डाउन करके रखिए। और भी कुछ थ्योरी पार्ट है, इसके बारे में मैं आगे क्वेश्चंस जब आएंगे तो वहां पर डिस्कस करूंगा। चलिए, अभी जितनी चीजें हमने सीखी है उसके तहत कुछ क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, बोल रहा है कि एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी जो है ये कितना है, 115 डिग्री है। और दूसरी बात यहां पर कहा हुआ है कि एंगल ए प्लस टू एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, तो 180 डिग्री। बताइए भाई, यहां पर रिलेशन दिया हुआ है एसी और एबी में। ठीक है, एसी और एबी में। तो देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को पूरा कंप्लीट करूं, एबीसी ट्रायंगल, तो एसी मतलब ये वाला साइड और एबी मतलब ये वाला साइड। एसी के पीछे वाला एंगल ये वाला एंगल है, एबी के पीछे वाला एंगल ये वाला एंगल है। तो कहीं ना कहीं हमको एंगल बी और एंगल सी के बारे में रिलेशन आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढ सकते हैं, देखिए, बस आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखिए। एंगल ए में आपने दो बार एंगल बी जोड़ा, तो दो बार एंगल बी क्यों जोड़ रहे हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल बी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। और आप ये भी जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होता है, किसी भी ट्रायंगल में ट्रू है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि एंगल बी बराबर एंगल सी है? और अगर एंगल बी बराबर एंगल सी है तो एंगल बी के पीछे है एसी, एंगल सी के पीछे है ए बी। अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए तो यहां पर ए सी और ए बी भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर है पहला सवाल?
ठीक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एंगल्स के रिलेशन में हम जैसे ही पता चला कि एंगल बी बराबर एंगल सी है, ये दोनों इक्वेशन से, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है। और जैसे ही इन दोनों से पता चल गया कि एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो सिंपल सी बात है कि उसके पीछे के साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां पर दिया हुआ है कि अगर हम देखें ए बी सी डी, यहां पर ए डी बी एक ट्रायंगल है, पहले तो ए बी डी एक ट्रायंगल है, इसमें ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो ए बी कहां है, ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, और बी सी बराबर सी डी दिया है, मतलब ये वाला छोटा सा जो साइड आपको दिख रहा है ये वाला, साथ ही साथ आपको ये भी दिया है कि ए डी बराबर बी डी है, ए डी बराबर बी डी भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड करना है एंगल ए डी बी, इसको अगर मैं थीटा मान लूं, इस थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप आइए इस छोटे ट्रायंगल में, इस छोटे ट्रायंगल में आइए जो कि है बी सी डी ट्रायंगल, बी सी डी इस ट्रायंगल में आइए। यहां पर अगर ये थीटा है जो कि इसके पीछे वाला साइड है, एंगल है, तो इसके पीछे वाला एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा, इसका वैल्यू भी थीटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो इन थीटा और इन थीटा को जोड़ने पर इसका एक्सटीरियर एंगल जो है इस ट्रायंगल का, बी सी डी ट्रायंगल के बाहर वाला कोण जो है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो ये 2 थीटा होना चाहिए। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत हो। अब इस ट्रायंगल में आइए, ए सी ए बी सी ट्रायंगल में आइए, ए बी सी ट्रायंगल में अगर ये 2 थीटा है जो कि इसके पीछे वाला है, तो इसके पीछे वाला एंगल भी यहां पर 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों 2 थीटा 2 थीटा, ये भी 2 थीटा हो गया, बराबर। यहां तक समझ में आ गई। अब आप इस बड़े ट्रायंगल को एक बार और देखिए, इस बड़े ट्रायंगल को आप देखेंगे तो आपको ये भी दिया था कि AD जो है ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल है, तो अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो इसके पीछे 2 थीटा, तो इसके पीछे भी 2 थीटा होगा यहां पर, और ये थीटा पहले से बैठा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा जो एंगल है वो भी 2 थीटा हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा एंगल 2 थीटा हो गया, ठीक। अब देखिए पूरे ट्रायंगल की हम बात करते हैं, हमको थीटा निकालने से मतलब है, तो अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, तो कुछ जो चीजें अनवांटेड है उसको मैं हटा देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरे ट्रायंगल को एक बार फिर से आप देखिए, आपके पास क्या क्या आ गया, ठीक। ये सारी चीजें पता चल गई कि नहीं, आपको ये पता चल गया कि यहां पर ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा मतलब 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। 5 से इसको काट लीजिए तो थीटा बराबर आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा बराबर 36 है, वही हमको निकालना था जिसको मैंने यहां पर थीटा माना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, एंगल ए बराबर 120 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है 120 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है कितना है, 120 डिग्री, ठीक, 120 डिग्री। और आपको निकालना क्या है, यहां पर डी इनसाइड द ट्रायंगल है सच दैट डीबीसी इज 2 एंगल एबीडी, डीबीसी जो है 2 एंगल एबीडी सी, तो एबीडी को अगर मैं थीटा मान लूं तो डीबीसी 2 थीटा हो जाएगा, बराबर। और साथ में डीसीबी जो है ये 2 टाइम्स एसीडी है, डीसीबी ये वाला एंगल है, तो अगर मैं इसको अल्फा ले लूं तो ये वाला भी 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो इसको मैं बीटा ले लेता हूं ताकि अल्फा बीटा थोड़ा राइमिंग रहता है, ये बीटा हो जाएगा तो 2 बीटा हो जाएगा, तो ये अल्फा तो 2 अल्फा, ये बीटा तो ये 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बीडीसी एंगल आपको निकालना है, यानी बीडीसी ये वाला एंगल जो है आपको निकालना है। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल की हम बात करें, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल्स का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए का मान कितना है, 120 डिग्री है। एंगल बी की बात करूं तो बीटा प्लस बी 2 बीटा 3 बीटा हो गया। एंगल सी की बात करूं तो अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा हो गया, मतलब 3 अगर मैं कॉमन निकालूं तो 3 के अंदर यहां अल्फा प्लस बीटा आएगा। बात समझ में आ रही है, पूरे के पूरे ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, जिसमें से एक 120 डिग्री है। बाकी दोनों एंगल की बात करें तो 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा होता है, अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी 3 अल्फा होता है। अगर हम जोड़े इसको तो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि 180 डिग्री के बराबर है। इसको यदि हम देखें 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो 3 अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, 180 माइनस 120 करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। अगर हम 3 से इसको काटें तो ये बन जाएगा 20 डिग्री, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 20 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक। अब जब हमें बीडीसी निकालना है तो बीडीसी कौन सा एंगल है भाई, ये वाला एंगल है। इस एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए अब छोटे ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल बीडीसी में इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम भी तो 180 ही होना चाहिए, और एक एंगल 2 बीटा है, दूसरा 2 अल्फा है, तो अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो 2 अल्फा प्लस बीटा 40 डिग्री आ गया, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल टोटल दोनों इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 40 डिग्री आ रहा है।
मतलब पूरा का पूरा अगर 180 है तो बचा हुआ इसके पास कितना रहेगा, 180 माइनस 40 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो है 40 डिग्री। तो अगर बचा हुआ जो है वो इसके पास रहेगा, इसका मतलब 180 में 40 माइनस कर दोगे तो 140 डिग्री जो है वो बी डी सी का वैल्यू रहेगा। तो डी जो है सवाल का सही उत्तर। क्लियर, यहां तक मैं समझ सकता हूं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर एडी इज इक्वल टू बीडी, तो ये एडी है इक्वल टू बीडी है, ये एडी है इक्वल टू बीडी है, और इक्वल टू एसी भी है यहां पर, ये वाला साइड, ठीक है। तो एंगल सी ए एफ, ये वाला जो एंगल है ये बराबर आपका 81 डिग्रीज का है, 81 डिग्रीज का, ठीक है। और ए सी ई आपको निकालना है, तो ए सी ई कौन सा है, ये वाला एंगल, इसको आपको निकालना है, ठीक है। बताइए कैसे निकालेंगे। देखिए सपोज करते हैं कि यहां से कुछ चीजों को एज्यूम करना चालू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थीटा मानूं, ठीक है, इसको यदि मैं थीटा मानूं, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल एबीडी की, इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, तो एडी के पीछे वाला साइड इक्वल है, तो बीडी के यहां पर पीछे वाला एंगल भी यहां पर इक्वल होगा, क्योंकि एडी बराबर बीडी है, तो एडी के पीछे एंगल बी था, बीडी के पीछे एंगल ए रहेगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इस ट्रायंगल से थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा ये वाला एंगल एडीसी एंगल, जो कि इसका एक्सटीरियर एंगल है, इसका एंगल डी का। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ऑपोजिट में थीटा थीटा बना, तो ये थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल टू थीटा हो जाएगा, यहां पर ये टू थीटा होगा। यहां तक समझ में आ गई बातें, ठीक। अब आते हैं हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एडीसी में, इस ट्रायंगल में एडीसी में देखोगे तो ये एडी है और ये एसी है, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, बराबर। क्या क्या इक्वल दिया, एडी और एसी इक्वल दिया। तो भाई इस ट्रायंगल में भी आप देखेंगे अगर एसी के पीछे टू थीटा बना, तो एडी के पीछे वाला एंगल, ये वाला एंगल भी तो टू थीटा बनेगा, मतलब ये जो एंगल है ये भी टू थीटा बनेगा, बराबर। अब समझिए यहां से क्या दिया हुआ चीजें, इस इन सबको मैं अब हटा देता हूं, अब केवल ये देखेंगे आप ट्रायंगल ए बी सी को। देखिए इस ट्रायंगल को हम देखेंगे ए बी सी को, तो यहां पर इसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है यहां पर, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो थीटा प्लस टू थीटा, थ्री थीटा बराबर हो जाएगा 81 डिग्री, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया 27 का हो गया आप लोग, और अगर थीटा बराबर 27 है तो टू थीटा बराबर कितना हो गया, टू थीटा बराबर 54 डिग्रीज हो गया। भाई अगर टू थीटा बराबर 54 है तो ये वाला एंगल निकालना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल वाला, यहां वाला एंगल और इस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर बनाता है, ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, और इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा 126, तो बी इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये वाली बात। चलिए अब यहां से सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, यहां ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी ए दिया हुआ है, और आपको एंगल डी ए ई निकालना है। देखिए कभी भी इस तरीके का फिगर बनता है, आपको ये वाला एंगल निकालने को कहे, और लाइन से आपको दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ सी बराबर जी, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच छह सात, सात यहां पर साइड्स दिए हुए हैं। अगर सात साइड्स दिए हुए हैं तो डायरेक्टली इसका शॉर्ट ट्रिक है कि एंगल डी ए ई पूछा है ना, तो एंगल डी ए ई हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय सात, इसका वैल्यू हो जाएगा। और आपको अप्रोक्सीमेट मान निकालना था, तो अप्रोक्सीमेटली देखिए दो बार जाएगा यहां पर 14 से, उसके बाद यहां पर 40 बच रहा है, तो लगभग 25 डिग्री के आसपास आ रहा है ना, तो 25 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 पॉइंट पूछा जाएगा 26 के आसपास, तो जो है लगभग मान पूछा जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब समझिए, यहां से ए बी इज इक्वल टू बी सी है ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी कैसे सॉल्व किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ए बी, इस ट्रायंगल को देखना पहले ए बी सी को, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा थीटा तो ये टू थीटा हो जाएगा बाहर वाला एंगल, बराबर है कि नहीं। अब इस ट्रायंगल को देखना बी सी डी को, बी सी डी में आपको क्या दिया है, बी सी बराबर सी डी दिया, तो अगर ये टू थीटा है तो बी सी के पीछे वाला साइड भी टू थीटा होगा, बराबर। इसके बाद आप ये समझिएगा कि यहां पर ये थीटा है, ये टू थीटा है, तो ये वाला एंगल थ्री थीटा होगा कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी से, और अगर ये थ्री थीटा है तो ये वाला एंगल भी थ्री थीटा होगा, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि सी डी बराबर ई डी, सी डी बराबर डी ई, ठीक है। तो लाइन से हम इसको सॉल्व करते चले जा रहे हैं, तो ये भी थ्री थीटा हो गया, ठीक। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब
यहां से आगे कैसे बढ़े। तो इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर अब दिया हुआ है, यहां दूसरी तरफ से हम देखना चालू करेंगे इसको कि एजी बराबर ईएफपी दिया हुआ था, दिया था कि नहीं। तो अगर एजी बराबर जीएफ है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और इसके तहत ये एंगल टू थीटा होना चाहिए। साथ में आपको दिया हुआ है जीएफ बराबर ईएफ, जीएफ बराबर ईएफ भी दिया हुआ है, ठीक है, एफजी बराबर ईएफ दिया हुआ है। तो अगर ये टू थीटा है मतलब ये वाला जो एंगल निकल के आया ये भी टू थीटा होगा, ठीक, ये वाला एंगल भी टू थीटा होगा। और अगर ये टू थीटा है तो ये जो छोटा सा एंगल यहां पर दिखाई दे रहा है ये थीटा होना चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा एंगल टू थीटा का है, तो ये टू थीटा और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यहां से अगर आप इस ट्रायंगल को देखिए केवल ए एफ ई, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल टू थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल थ्री थीटा होगा। और क्योंकि ये ई एफ बराबर ई डी दिया हुआ है, दिया है ना, डी ई बराबर ई एफ, तो उससे ये पूरा का पूरा एंगल भी थ्री थीटा का होगा क्योंकि ये वाला एंगल थ्री थीटा, तो ये बीच का एंगल टू थीटा, ये छोटा सा जो एंगल है थीटा बनेगा, ओवरऑल थ्री थीटा बनेगा, ठीक। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है इतनी सारी कैलकुलेशन से कि ये वाला एंगल थीटा है, ये पूरा का पूरा एंगल थ्री थीटा है और ये पूरा का पूरा एंगल थ्री थीटा है, मतलब थीटा प्लस थ्री थीटा प्लस थ्री थीटा मतलब कितना हो गया, सेवन थीटा बराबर 180 डिग्री। यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट ट्रिक के तहत पे बताया कि ये अगर 180 डिग्री है डिवाइडेड बाय सात कर लीजिए, ज्यादा आसान ये है कि सात साइड दिखे तो थीटा क्या होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय सात कर लीजिए, यही आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बी बराबर यहां पर दिया हुआ है 38 डिग्री, ये एंगल है 38 डिग्री का, और एसी बराबर बीसी है, एसी बराबर बीसी है वो तो फिगर में दिया हुआ है, और एडी बराबर सीडी है, तो एंगल एडीसी का वैल्यू आपको निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। चलिए तो अगर ये 38 डिग्री है, इसके पीछे वाला साइड 38 है, तो इसके पीछे वाला साइड यहां पर भी 38 डिग्री का होगा, मतलब ये वाला एंगल भी 38 डिग्री हो जाएगा, क्लियर, ये वाला एंगल भी 38 डिग्री हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबीसी का, तो 38 डिग्री प्लस 38 डिग्री हो जाएगा, 38 डिग्री प्लस 38 यानी 76 डिग्री हो जाएगा ये वाला। एसीडी ट्रायंगल की बात करें तो यहां एडी बराबर सीडी है, इसके पीछे वाला एंगल ये है, तो इसके पीछे वाला एंगल यहां पर जो एंगल बच रहा है ये भी 76 डिग्री का होगा, बराबर। अब बात करते हैं इस पूरे ट्रायंगल की, ट्रायंगल एसीडी की, ट्रायंगल एसीडी, इस ट्रायंगल का हम अगर हम देखें तो ये 76 डिग्री प्लस 76 डिग्री कितना हुआ भाई, 152 डिग्री हो गया, इन दोनों का सम 152 डिग्री है, तो ये जो एंगल डी है इसका वैल्यू निकाल सकते कि नहीं, क्योंकि 180 डिग्री माइनस ऑफ 152 करोगे तो जो वैल्यू आ जाएगा यहां पर 8 आएगा, ये बन गया 7 और ये बन गया 28 डिग्री, तो 28 डिग्री जो है इसका वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल है एसीडी जिसमें से एक 76 दूसरा 76 तीनों का सम 180 होता है, तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम 28 डिग्री जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन अ ट्रायंगल एबीसी सी इज द ऑब्स्टूस एंगल ट्रायंगल, बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए एंड बी मीट एट सी प्रोड्यूस्ड एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, एडी एबी एडी एंड बीई, इफ एडी एबी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू बीई देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, देखिए थोड़ा सा यहां पर डायग्राम आपको बनाना होगा, जिस सवाल में डायग्राम नहीं दिया उसमें डायग्राम बनाना अनिवार्य हो जाता है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी ऑब्ट्यूस है, तो इस तरीके से एंगल सी को हमने ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया ए सी बी, और अल्टीमेटली आपको यही निकालना है, तो इसको मैं थीटा मान लेता हूं, जिसको हमें निकालना है उसी को मैंने थीटा मान लिया, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब बोल रहे एंगल बी और एंगल ए के बहिर्कोण का समद्विभाजक, अब देखिए एंगल बी और एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल का समद्विभाजक बनाना है, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए आपको एंगल बी और एंगल ए दोनों को बढ़ाना होगा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इसके एक्सटीरियर एंगल का समद्विभाजक, ठीक है ये समद्विभाजक हो जाएगा इस तरीके से, और बीसी भुजा को बढ़ाने पर ये मिलता कहां पर है, डी बिंदु पर, तो देखिए बीसी भुजा को बढ़ाना है मतलब इस तरीके से बढ़ाना होगा यहां पे, और जैसे ही आप यहां से बढ़ाओगे इसको तो यहां पर जाके मिलता है पॉइंट डी पर। सेम चीज बोल रहा है एसी को आप बढ़ाएंगे और इसका समद्विभाजक कुछ इस तरीके से होगा, तो ये दोनों कहीं पर मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, ई है, such that AB is equal to AD is equal to BE, तो AB बराबर मतलब कि AB कहाँ है, तो AB यहाँ पर है, बराबर BE बराबर BE बराबर AD है, आपको एंगल ACB निकालना है, तो बताइए भाई कैसे निकाला जाए इसको, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि ये समद्विभाजक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पिछले वीडियो में हमने देखा,
तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो है, अगर हम समझे कि अगर ये अल्फा है, सबसे पहली बात अब सॉल्व करने की बारी है, तो इसको अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, ठीक, और इसको बीटा मान लेते हैं। तो पहले तो इस ट्रायंगल, छोटू वाले ट्रायंगल में देखिए एसीबी में कि थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। तो अगर मेरे को कहीं से भी अल्फा प्लस बीटा मिल गया तो मैं थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा निकालना किसी भी हालत में, कैसे निकाला जाए। चलिए अब इस ट्रायंगल की बी सी ई की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप देखिए ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी बराबर बी ई है, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं ये जो एंगल बी सी ई है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए बी सी का, तो ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होगा। आप यहां तक मेरी बातों से सहमत होंगे। अब बताइए भाई सी बी ई का मान कैसे निकाले। देखिए बहुत सिंपल है, अगर ये एंगल बीटा है तो इसका पूरा का पूरा एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस बीटा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। साथ में ये समद्विभाजक है, अगर ये समद्विभाजक है तो ये वाला एंगल इसका आधा रहेगा, और इसका आधा करने का मतलब 90 डिग्री माइनस का बीटा बाय टू, 90 डिग्री माइनस ऑफ बीटा बाय टू, ठीक है। चलिए अब यहां से अगर ये एंगल अल्फा है तो पूरा का पूरा जो एंगल होगा ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का अल्फा, यहां तक क्लियर। तो यहां से अब यह समझना होगा आपको कि पूरा का पूरा एंगल अगर 180 माइनस अल्फा है और यह समद्विभाजक है, तो ये जो छोटू वाला एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का अल्फा बाय टू, ठीक। और आप ये जानते हैं कि बाकी दोनों एंगल्स का वैल्यू क्या है, इस एंगल का जो वैल्यू है, इस एंगल का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ए बी बराबर ए डी है, तो अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा, यहां तक क्लियर। चलिए अब देखिए समझिए, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात करते हैं, छोटे ट्रायंगल एसीडी ट्रायंगल और साथ में बीसीई ट्रायंगल। बीसीई ट्रायंगल में इन तीनों का जो सम है वो 180 के बराबर होना चाहिए। 180 के बराबर होने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री जो है ये आपका 180 होना चाहिए। तो देखिए अल्फा प्लस अल्फा हो गया 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा, और ये बीटा माइनस बीटा बाय 2 हो जाएगा प्लस बीटा बाय 2, और प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं तो 4 अल्फा प्लस बीटा होगा डिवाइडेड बाय 2, इस 90 को दूसरे तरफ ले जाए तो ये माइनस होगा तो 90 बन जाएगा, मतलब कि अगर ये 2 को दूसरे तरफ ले जाए तो ये 180 डिग्री बन जाएगा, मतलब 4 अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री है, क्लियर है यहां तक बातें। इसी प्रकार ये हमको रिजल्ट मिला इस ट्रायंगल बीसी से, इसी प्रकार आप इस ट्रायंगल में भी आप इसी चीज को लगाएंगे कि तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, जिसमें से एक साइड है अल्फा प्लस बीटा, एक साइड है बीटा, एक साइड है 90 डिग्री माइनस अल्फा में बीटा, तो यहां से आपको मिलेगा अल्फा प्लस 5 बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा, सॉरी अल्फा प्लस 4 बीटा बराबर 180 डिग्री। जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो अल्फा प्लस 4 अल्फा हो जाएगा 5 अल्फा, बीटा प्लस 4 बीटा हो जाएगा 5 बीटा, दोनों को जोड़ने पर यहां पर बन जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। इसको अगर काट दे 5 से तो 72 आता है 72 डिग्री का, मतलब कि देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है तो 72 डिग्री, मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 72 डिग्री। क्या आप थीटा निकाल सकते हैं, इस 72 को यहां डाल दीजिए तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 72, और इसका वैल्यू हो जाएगा 108 डिग्री। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसको आप याद भी रख सकते हैं कि इसका एंगल का वैल्यू जो है वो 108 आता है, और ये कई बार आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, तो अगर फिर से आ गया तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि इसका एंगल का वैल्यू 108 डिग्री होता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन प्रीवियस ईयर में आपके आ चुका है तो कभी भी रिपीट हो सकता है किसी भी शिफ्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल डीईएफ ए बी सी आर टेकन ऑन साइड्स डीई DF EF respectively such that EC is equal to AC, CF is equal to BC and angle D is equal to 40 degree. What is the value of angle ACB? तो एक ट्रायंगल है DEF, एक ट्रायंगल है DEF, ठीक है। इसमें बोला गया है ABC क्रमशः DE पर है और DF पर है और EF पर है, तो A यहां पर, B यहां पर, C यहां पर, ABC, ठीक है, ABC कुछ इस तरीके से। इसमें आपको क्या क्या चीजें दी हैं उसको थोड़ा सा नोट डाउन करना चालू करना आप लोग। ईसी बराबर एसी है तो ईसी बराबर एसी, ये दोनों साइड इक्वल है। सीएफ बराबर बीसी है तो सीएफ यहां पर है, बीसी बीसी है, ठीक है। और
यहां पर भी थोड़ा सा गलती है, ये आप इसको करेक्ट कर लेना। EC बराबर AC है, मतलब ये वाला साइड है, ठीक है। चलिए एंगल D का वैल्यू निकालना है। अच्छा, एंगल D दिया हुआ है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, और आपको कौन सा एंगल निकालना है, तो AC भी निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि अगर ये एंगल 40 डिग्री है, इस एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा, इस एंगल को मैं मान लेता हूं बीटा, तो क्या अल्फा प्लस बीटा 140 डिग्री होगा कि नहीं? क्या आप मेरी बातों से सहमत है? मैं कह रहा हूं अल्फा प्लस बीटा 140 होना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे DEF में एक एंगल 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हुआ? 140 डिग्री हो गया। यहां तक क्लियर? अब यहां से आपको दो चीजें दी थी कि ये एंगल, ये साइड से और ये साइड इक्वल है, तो इसके एसी के पीछे अल्फा, तो एसी के पीछे भी ये वाला अल्फा हो जाएगा। एसी के पीछे अल्फा, तो ईसी के पीछे ये वाला भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। साथ में अगर ये एंगल बीटा है, तो इसके बीसी के पीछे बीटा था, तो सीएफ के पीछे भी ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखिए, आपको यहां पर निकालना क्या है, आपको निकालना है भाई ये वाला एंगल एसीबी। तो देखिए, अब बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको चीजें समझाऊंगा, इसको समझना। ये ACF जो एंगल है, ACF ये वाला जो एंगल है, ये एक बार यहां पर टोटल वैल्यू 2 अल्फा दे देगा आपको, क्योंकि अल्फा है अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाता है। ये बीटा है, बीटा है, बीटा प्लस बीटा जो होता है, ये वाला पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा 2 बीटा। यहां तक क्लियर? अब देखिए, अगर ये 2 अल्फा है, 2 बीटा है, दोनों को जोड़ने पर हो क्या रहा है? एक बार तो आप पूरे के पूरे यहां BCE को जोड़ रहे हो, एक बार आप पूरे के पूरे ACF को जोड़ रहे हो। तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा जो है, इसको हम देखें तो एक बार तो 180 डिग्री होना ही चाहिए, क्योंकि आपने ये पूरे एंगल को जोड़ा है। साथ में ये जो ACB एंगल है, दो बार काउंट हुआ, तो 180 डिग्री प्लस एंगल ACB हो जाएगा। यहां तक क्लियर? 140 का दुगना कितना होता है? 280 डिग्री होता है, और ये कितना है? 180 डिग्री प्लस एंगल ACB। तो एंगल ACB कितना हो जाएगा? एंगल ACB हो जाएगा 280 माइनस 180 यानी 100 डिग्री, ठीक है। ACB कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, यानी ए जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, BC इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट CD इज इक्वल टू AC, BAD इज इक्वल टू 126, ACB इज इक्वल टू 72 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC? तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं, डायग्राम नहीं दिया तो डायग्राम बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए इस सवाल का पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, तो ABC मैंने इस तरीके से बना लिया। ABC बनाने के बाद BC को भुजा D तक, बिंदु D तक पहुंचाया जाता है, तो D तक मैं यहां पर इसको बढ़ा देता हूं। और दिया हुआ है CD बराबर AC है, मतलब ये जो CD है बराबर AC हो जाएगा यहां पर। क्लियर? एंगल BAD का वैल्यू दिया 126। तो देखिए, BAD कंप्लीट नहीं था, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा एंगल जो है 126 डिग्री है। साथ में ACB, ACB का वैल्यू यानी ये वाला एंगल का वैल्यू आपको दिया हुआ है 72 डिग्री, तो ये 72 डिग्री है, ठीक। यहां तक क्लियर है चीजें? इसके बाद आपको बोल रहा है ABC का वैल्यू बताइए क्या है। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर यहां पर AC बराबर CD दिया, तो इसका फायदा जरूर उठाना होगा। मतलब कि अगर ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि भाई ACD ट्रायंगल में दो साइड्स AC और CD इक्वल दिया है। AC के पीछे अगर थीटा होगा, तो CD के पीछे भी थीटा हो जाएगा, दोनों के दोनों थीटा हो गए। क्लियर? चलिए, अब यहां से आपको समझना होगा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये 72 डिग्री है, ये थीटा प्लस थीटा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। थीटा प्लस थीटा होता है 2 थीटा, बराबर किसके हो जाएगा? 72 डिग्री के। तो थीटा बराबर हो जाएगा भाई 36 डिग्री का। थीटा कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। यहां तक क्लियर? मतलब कि भाई ये वाला भी 36 डिग्री, मतलब कि ये भी 36 डिग्री, और ये जो एंगल है ये भी 36 डिग्री। अब आपको जैसे सॉल्व करना है सॉल्व करिए। चाहे तो आप इस ट्रायंगल के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, या बड़े ट्रायंगल के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है वैसे सॉल्व करिए। देखिए, पूरा एंगल आपको 126 दिया था ना, जिसमें से 36 डिग्री ये छोटा वाला एंगल है, तो ये जो बड़ा वाला एंगल है ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं? क्योंकि भाई दोनों का सम 126 है, जिसमें से 36 अगर ये हो गया तो 90 डिग्री होगा। तो बचा हुआ ये जो एंगल ABC है, ये 18 डिग्री हो जाना चाहिए, 18 डिग्री का, करेक्ट। तो यहां से सी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, CD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल C, व्हिच मीट्स AB एट D। M इज अ पॉइंट ऑन CD सच दैट AD इज इक्वल टू AM।
इफ एंगल बी इज इक्वल टू 71 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए एम ए सी। तो देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है ए बी सी एक ट्रायंगल। सीडी जो है एंगल बाइसेक्टर है, जो कि यहां पर सीडी जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो ये सीडी को हम एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से बना देते हैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर है इन दोनों का, मतलब दोनों एंगल इक्वल होंगे। और एडी बराबर एएम दिया हुआ है, ठीक है, कहां पर एम एक बिंदु है सीडी पर। देखिए एम कोई बिंदु है सीडी पर, एम यहां पर कोई बिंदु है सीडी पर, सच दैट एडी जो है ए एम के बराबर है। एंगल बी जो है आपका 71 डिग्री है, ये आपका 71 डिग्री दिया हुआ है। एंगल एम ए सी का वैल्यू क्या है आपको निकालना है, तो एम ए सी को इसको यहां पर इसको हम थीटा ले लेते हैं। बताइए भाई कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहां से बहुत सारी चीजें आपको दी हुई है, इसको यूज करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि ये वाला जो एंगल है भाई, ये वाला एंगल जो है दोनों इक्वल है, तो अगर मैं इसे अल्फा ले लूं तो ये भी अल्फा हो जाना चाहिए। यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आई। इस ट्रायंगल बीडीसी को देखने की कोशिश करिए, बीडीसी ये एंगल जो है एंगल एडीसी, इसका एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल बराबर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। मतलब ये 71 डिग्री प्लस अल्फा जो है, ये 71 डिग्री प्लस अल्फा हो जाएगा, क्लियर। और अगर एडी बराबर एएम है, मतलब कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी ये भी 71 डिग्री प्लस अल्फा, ये भी 71 डिग्री प्लस अल्फा। यहां तक क्लियर। अब आप खुद बताइए इस ट्रायंगल एएमसी को देखकर कि एएमडी जो है 71 डिग्री प्लस अल्फा है, जो कि एक्सटीरियर एंगल है, जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर 71 डिग्री प्लस अल्फा होगा, अल्फा से अल्फा कट गया, बचा हुआ थीटा बराबर 71 डिग्री, और थीटा कुछ और नहीं था, एमएसी था जो हमें फाइंड करना था, जो कि यहां पर 71 डिग्री के बराबर लिया गया। यहां तक क्लियर। चलिए बहुत सिंपल सिंपल से हम थ्योरम को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिया हुआ इफ एबीसी इज अ ट्रायंगल, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी जो है, ये एंगल बी जो है बड़ा है एंगल सी से, तो तीनों में क्या रिलेशन है आपको बताना है। देखिए सबसे पहली बात आप समझिए यहां कि ये 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, बचा क्या, तो 120 डिग्री बचा, 120 डिग्री बचा। मतलब समझिए कि अब यहां से आप या तो ये कह सकते थे कि ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, करेक्ट, लेकिन इसने कह दिया कि यहां एंगल बी जो है थोड़ा सा बड़ा है, एंगल बी जो है थोड़ा सा बड़ा है एंगल सी से। कहना का मतलब अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री से जितना बड़ा होगा, 60 डिग्री प्लस थीटा होगा, तो यह एंगल 60 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए भाई तीनों का जो सम होता है 180 होता है, ये एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एक एंगल जो है सबसे बड़ा एंगल ये होगा, बीच में ये एंगल आएगा, और सबसे छोटा साइड एंगल ये हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो साइड्स के बारे में बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, इज ग्रेटर देन एंगल सी हो रहा है, तो इसका मतलब साइड बी जो है सबसे बड़ा होगा, इससे छोटा ए होगा, और सबसे छोटा जो है यहां पर ग्रेटर देन साइन आएगा, सबसे छोटा जो है ये आपका सी बन जाएगा। बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, मतलब सबसे सही जो उत्तर है ये सी वाला है। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द डायग्राम बिलो पी क्यू आर एस इज द पॉइंट ऑन पी क्यू, पी आर एंड पी एस एंड क्यू आर गिवन विच इज 8, 3 and 15, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एस क्यू, वट कैन बी द लेंथ ऑफ एस क्यू आपको दिया हुआ है। देखिए इस सवाल को करने के पहले थोड़ा सा मैं अब डिस्कशन कर लेता हूं, एक थ्योरम और जो बचा हुआ है जो हमको यहां पर डिस्कस करना था, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में इसको हम कवर करेंगे, तो इस थ्योरम को आप थोड़ा अच्छे से देखिए, ठीक है, समझिए। किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं का जो सम होता है वो तीसरी भुजाओं से बड़ी होती है। द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब अगर मैं ए की बात करूं तो ए का भुजा जो है, ए की भुजा की जो लंबाई है, ये वाली लंबाई है, ये बी प्लस सी से छोटा होगा। बी की अगर मैं बात करूं तो बी के भुजा की जो लंबाई है, जो ए सी है, इसकी भुजा की लंबाई बी है, ये ए प्लस सी से छोटा होगा। ए बी की जो लंबाई है सी, ये ए प्लस बी से छोटा हो जाएगा। ये तीनों के तीनों भुजा जो है, ए लेस देन ए बी प्लस सी होता है, बी लेस देन सी प्लस ए होता है, सी लेस देन ए प्लस बी होता है। यहां तक क्लियर। सेकेंड, length of any side in a triangle is, length of any side in a triangle is greater than the difference of the length of the other two sides. अब किसी भी त्रिभुज में जो भुजा होती है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में जो भुजा होती है, यहां पर b माइनस सी, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे कि अगर a की बात हो रही है,
इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा। मतलब समझिए कि कोई भी साइड है ये बाकी दोनों साइड के सम से छोटा होता है, लेकिन बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ा होता है। मतलब कि किसी भी भुजा की जो लंबाई होती है वो एक रेंज में काम करती है, और इस रेंज का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा बी माइनस सी से थोड़ा सा बड़ा, साथ में बी प्लस सी से छोटा। साथ में अगर बी की बात करें तो बी सी माइनस ए से बड़ा होगा लेकिन सी प्लस ए से छोटा होगा, सी की बात करें तो ए माइनस बी से बड़ा होगा लेकिन ए प्लस बी से छोटा हो जाएगा। तो हर एक साइड जो है बाकी दोनों साइड के लेंथ के डिफरेंस से बड़ा होता है, लेकिन बाकी दोनों साइड के सम का जो वैल्यू आया उससे छोटा होता है। इस चीज का आप नोट बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखिए, यहां पर आपसे पूछ रहा है x का क्या रेंज हो सकता है, मतलब कि एस क्यू का क्या रेंज हो सकता है ना, क्या वैल्यू हो सकता है ये पूछ रहा है। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो पी क्यू है ना, ये पूरा का पूरा पी क्यू, ये पूरे के पूरे पी क्यू की यदि मैं बात करूं तो ये बाकी दोनों के सम से छोटा होगा, 8 प्लस 15, और 8 माइनस 15 का जो वैल्यू है इससे छोटा होगा। मॉड्यूलस वैल्यू हम यहां पे लिखते हैं, मॉड्यूलस का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू आया तो भी पॉजिटिव लिखना होता है, मतलब 7 से बड़ा। पी क्यू का वैल्यू है 3 प्लस एक्स, और यहां पर आपका 23 से छोटा है कि नहीं, तो बताइए भाई अगर 3 को दूसरे तरफ भेज दें तो x का वैल्यू जो है यहां पर 4 से बड़ा होना चाहिए, इसको भेज दें यहां पर तो 20, तो 4 से 20 के बीच में जो वैल्यू है ना 4 हो सकता है ना 20 हो सकता है, उसके बीच में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 13। अगर इक्वल हो गया ना, अगर इसके इक्वल हो गया ना, इस केस में ट्रायंगल नहीं बनता, उस केस में लाइन बन जाता है, लाइन सेगमेंट बन जाता है, क्योंकि देखिए 8 माइनस 15 बराबर अगर 3 कह रहे हैं तो ये 4 जो ये भी उसी के बराबर होगा ना, 7 हो गया। मतलब अगर आप इसमें पूरी ट्रायंगल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये 8 हो गया, ठीक है, ये 8 बन गया, ये 15 बन गया, और बीच में इसका जो डिफरेंस है इस तरीके से रहता है, ये पूरा का पूरा 15 बन गया, एक 8 बन गया, और यहां पर ये जो 7 यहां पे आ जाता है तो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, क्योंकि 3 प्लस 4 है ना तो 7 बन गया, तो 7 प्लस 8 बराबर 15, इस केस में ट्रायंगल नहीं बनता, लाइन सेगमेंट बनता है। इसीलिए यहां पर इसका जो रेंज है वो 4 के बराबर भी नहीं हो सकता, 20 के बराबर नहीं हो सकता, उसके बीच में होना चाहिए, उसके बीच में जो है वो 13 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, इफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 876 सेंटीमीटर एंड 678 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज एन इंटीजर, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स पॉसिबल। तो देखिए यहां पर आपको क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स हम बना सकते हैं इस पूरे ट्रायंगल में। तो आपको यहां पर शॉर्ट ट्रिक में बता दूं, तो चलिए पहले लॉन्ग ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। सबसे पहली बात आपको यहां पर देखना है कि जो तीसरी साइड होगी एक्स, ये हमेशा इन दोनों के सम से तो छोटा रहेगा, यानी 876 प्लस 678, ठीक है ना, इससे तो छोटा रहेगा, लेकिन 876 माइनस 676 से बड़ा होना चाहिए। तो और तीसरी बात बोला गया कि ये एक इंटीजर है, इंटीग्रल वैल्यू है, तो अगर ये इंटीग्रल वैल्यू है तो समझना होगा आपको कि इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए, जितने भी वैल्यूज आएंगे सारे वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो कितने वैल्यूज आ सकते हैं, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में हमने देखा है कि एन बराबर जो होता है ये होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का एक, बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का एक होता है, याद आ रहा होगा आपको। जब इंटीजर की बात हो रही है तो कॉमन डिफरेंस वन हो जाता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वन हो जाता है। तो जब लास्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, आपको ये बात समझनी होगी कि यहां पर आपको आखिर टर्म से एक छोटा लेना पड़ता है, मतलब एग्जैक्टली आप ये वैल्यू भी नहीं ले सकते। जैसे पिछले सवाल में ही हमने ये बात डिस्कस किया कि यहां पर हम 4 नहीं ले पा रहे थे, 4 से एक बड़ा वैल्यू लेना होता है, 5 से स्टार्ट होता है गिनना, और यहां 19 से छोटा जो है, मतलब 20 से छोटा जो है 19 से, 19 से गिनती चालू होती है, मतलब आप एग्जैक्टली इस वैल्यू और इस वैल्यू को भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको समझना होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स बराबर इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है। अब जब इन दोनों को माइनस करोगे तो 876 तो कट ही गया, 676 है ना, कि 678 है, चलिए 678 है ये, 678 और 678 माइनस करोगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो ट्वाइस ऑफ 678 आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। और प्लस का वन होता है, प्लस का वन, लेकिन आपको समझना है, आपने एक्स्ट्रा काउंटिंग कर लिया कि ये भी और ये भी टर्म है, उसके लिए आपको माइनस टू करना पड़ता है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे निकालना है तो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप क्या करोगे, दुगना कर दोगे छोटे वैल्यू का और उसमें माइनस एक कर दोगे,
क्या करोगे, दुगना कर दोगे छोटे वैल्यू का, उसका माइनस एक कर दोगे, यही उत्तर होगा। तो सवाल देखते साथ आपको क्या करना है, आपको बताया गया टू साइड्स इतना इतना है, थर्ड साइड है इंटीजर, और फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स पॉसिबल। तो क्या कर लोगे, 2 इंटू 6 78 माइनस एक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 1200 + 140 + 16। देखिए 140 + 16 होना है, इसमें माइनस एक भी तो है ना, तो इसको 15 कर लेते हैं पहले से ही, ठीक है, बात समझ में आई। 8 × 2 = 16 होता है, और माइनस एक भी करना है तो मैंने पहले इसको 15 बना दिया, जोड़ दोगे तो 5, यहां 5, 1355 जो है उत्तर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां तक बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द साइड्स 14, 25 एंड x। तो ऐसे जितने भी भुजाएं त्रिभुज बन सकते हैं उन सभी का आपको परिमाप का योगफल निकालना है। तो सबसे पहली बात, तीसरा जो साइड है वो आपके 14 + 25 से छोटा होना चाहिए, 14 - 25 से बड़ा होना चाहिए। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और ऐसे जितने भी साइड से ये सारे के सारे आपके इस रेंज में होंगे, ठीक है। तो कितने साइड्स हैं पहले तो वो देख लीजिए, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, उस रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स जो है 39 से छोटा होना चाहिए, और इधर पे अगर देखा जाए इन दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है, तो 11 से बड़ा होना चाहिए। मतलब एक्स की बात मैं करूं तो 12, 13, 14 इस तरीके से 38 तक कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है एक्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब आप परिमाप बनाएंगे तो आपको यह समझना होगा, एक साइड 12 है, दूसरा है 14, तीसरा है 25, ये फिक्स्ड है। एक साइड 13 है तो दूसरा है 14, तीसरा है 25, ये फिक्स्ड है। एक साइड 38 है तो दूसरा है 14, तीसरा है 25, ये फिक्स्ड है। आपको क्या करना है, इन सब का परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स है वो कितने पॉसिबल है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, 2 गुणा कर लीजिए इसका, ठीक है, और माइनस कर लेंगे एक को, तो कितना आ गया, 27 आ गया। मतलब 27 ट्रायंगल्स है ओवरऑल, 27 ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर टोटल 27 ट्रायंगल है, आपको यहां पर सम निकालना है, तो इसका सम निकालने के लिए आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ये वाला जो साइड है, सम ऑफ ऑल एक्स अगर निकालना है तो एन बाय टू होता है, एन बाय टू मतलब 27/2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 12 है, लास्ट टर्म 38 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50। अब 2 से इसको बांटने पर 25 आ रहा है, 25 × 27। पहला वीडियो बेसिक कैलकुलेशन, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो बीच में 26 पड़ा, 26 का स्क्वायर 676 होता है, माइनस एक करोगे तो 675 आ जाएगा, ठीक है। तो 675 तो केवल इसका सम हो गया, दूसरे वाले का सम बताइए कितना होगा। देखिए हमारे पास ट्रायंगल कितने, 27 है, हर एक ट्रायंगल में दो साइड 14 और 25 फिक्स्ड है, तो 14 + 25 × 27 कर लेते हैं, ये आपका दूसरे साइड का सम हो जाएगा। मतलब कितना है, 39 माइनस ऑफ 30, चलिए 37 × 39 × 27 करना है। देखिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, देखिए कैलकुलेशन जो है ये आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी जल्दी आप सीख जाओगे कैलकुलेशन। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है आपका 39 × 27। इसको देखने का और एक तरीका क्या है कि आप इसको 40 - 1 कर लीजिए 27, क्योंकि 40 गुणा करना बहुत आसान है, 40 गुणा मतलब 1080, और इसमें 27 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10, यहां पर वैल्यू आ जाएगा 53। ये माइंड में कैलकुलेट हो सकता है, 1053 में इतना जोड़ देते हैं 675 को, तो यहां पर 8 आ रहा है, यहां पर 12 आ रहा है, 1728 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ये जो है सवाल का सही उत्तर है, ठीक। पेरीमीटर का सम तो पूछा था ना, तो जितने भी साइड्स हैं उन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो पहले तो इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के लिए मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला यूज किया कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, ये सारी चीजें नंबर सिस्टम में कवर हो चुकी है, ठीक। और बाकी दोनों साइड्स तो सेम है ना, 14 और 25 चेंज कहां हो रहा है, तो 14 और 25 हर ट्रायंगल में है, तो 14 + 25 यानी 39 फिक्स्ड है, 39 × 27 करना आसान था तो उसको मैंने यहां मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC has integer sides XYZ such that XZ is equal to 12. How many triangles are possible? ठीक है, तो यहां पर ABC जो है
तीन भुजाएं हैं, किसी तीन पूर्णांक है, ठीक है, और बोला गया है कि x मल्टीप्लाइड बाय z जो है ये आपका 12 है, तो त्रिभुज कितने संभव हो सकते हैं ये आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात, अगर x मल्टीप्लाइड बाय z जो है ये आपका कितना है, 12 है, तो इसमें x और z का मान क्या क्या हो सकता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जब 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 की बात हो रही है तो यहां पर कितने ट्रायंगल्स संभव है? बहुत सारे ट्रायंगल्स संभव नहीं हो सकते। आप डायरेक्टली यहां पर 2 × 1 करेंगे, 2 × 1 − 1 करिए, क्योंकि इतने ही ट्रायंगल संभव होते हैं, 2 × मिनिमम वैल्यू − 1, तो यहां 1 ट्रायंगल संभव है। अगर यहां पर 2 और 6 दिख रहा है तो 2 × 2 − 1 करेंगे, 4 − 1 3 ट्रायंगल संभव है, 2 × 3 − 1 करोगे तो 5 ट्रायंगल संभव है। टोटल जोड़ लीजिए इसको, 1 + 3 + 5, तो यहां पर 9 ट्रायंगल्स पॉसिबल है। सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया हुआ है किसी त्रिभुज की भुजाएं 4:5:6 में है, तो आपको बताना है कि त्रिभुज जो है वो एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल, कि सारे पॉसिबल, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको त्रिभुज के साइड बता दिया जाए कि यहां पर 4, 5, 6 ये साइड्स हैं ट्रायंगल के, तो आप यहां पर डेफिनेटली डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कि राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन कर लेता हूं, कैसे इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, अगले वाले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे साइन रूल और कोसाइन रूल का, ठीक है। तो साइन रूल यानी कोसाइन रूल जो होता है वो क्या कहता है, जैसे कि कॉस सी के अगर वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल को आप ले लीजिए, तो कॉस सी का जो वैल्यू होता है, कॉस सी जो होता है, सबसे पहली बात, कॉस सी जो है ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, मतलब 0° से 90° के बीच में, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट पे आप जाओगे तो यहां पर ये नेगेटिव होता है, यानी 90° से 180° के बीच में, और साथ में जब ये 90° के बराबर हो जाए वहां पर ये 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम यहां कोसाइन रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं कि भले अगर 90° हो गया तो वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, अगर 90 से ज्यादा हो गया तो वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब कॉस सी जो होता है वो वहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सबसे पहली बात, कोसाइन रूल जो है, कोसाइन रूल का मतलब क्या होता है कि कॉस सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर है तो सबसे बड़ा जो साइड है वो पॉजिटिव होगा, यानी कॉस सी जो होगा वो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि सबसे बड़े साइड के रेफरेंस में ही हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा साइड ही आपको बताता है कि सबसे बड़ा एंगल क्या है। मान लीजिए कि सी सबसे बड़ा साइड है, तो कोसाइन रूल से कॉस सी का वैल्यू जो होता है ये होता है a² + b² - c² / 2ab। अगर ये बड़ा है 0 से तो a² + b² > c² आएगा। इस केस में ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें सी सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है। साथ में अगर हम यहां पर डिस्कशन करें, ये तो कोसाइन रूल है, इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारी चीजें पॉजिटिव होती है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं, और 90° पे कॉस 90 जीरो होता है, ठीक। तो अगर यहां ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बने उस केस में क्या होगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कॉस सी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये अब 90° से 180° के बीच में है। उस केस में आप जब a² + b² - c² लगाओगे तो ये लेस देन जीरो होगा, कहने का मतलब a² + b² इज लेस देन c² अगर आ गया, इसमें c सबसे बड़ा साइड है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन अगर a² + b² - c² जो है, a² + b² जो है, ये अगर ग्रेटर देन c² आ गया तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की यदि हम बात करें तो यहां c² = a² + b² अब आपको समझ में आया होगा आज, क्योंकि जब कॉस सी का फॉर्मूला हम देखते हैं तो ये होता है a² + b² - c² / 2ab। जब हम यहां पर 90° डालेंगे तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और अगर ये इक्वल टू जीरो हुआ 90° पर तो a² + b² = c² हो जाएगा। यहां तक समझ पा रही बात? चलिए, तो बताइए भाई यहां पर क्या होगा, आपको क्या करना है, यहां पर 4 और 5 को अलग ले लीजिए, तो 4 का² + 5 का² इसको हम कंपेयर करेंगे 6 के स्क्वायर से, 6 का² 36 होता है, ये होता है भाई 16 + 25, जोड़ोगे तो यहां 41 आ रहा है, और क्योंकि 41 > 36 है मतलब ये बड़ा है, और इस कंडीशन में एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता है।
इस कंडीशन में क्या बनता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता है, 41 इज ग्रेटर देन 36, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो कोई भी ट्रायंगल की तीन भुजाएं दे दी तो कोसाइन रूल से आप तुरंत डिटरमाइन कर सकते हैं कि ट्रायंगल एक्यूट है कि राइट है कि ऑब्ट्यूस है, ठीक है। साइन रूल और कोसाइन रूल को नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी बस आप इसके तहत इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ थ्री ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:4:5 देन व्हाट इज द ट्रायंगल। देखिए, सबसे पहली बात आपको समझना होगा, किसी भी ट्रायंगल को जो एरिया होता है, एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब त्रिभुज का जो एरिया है वो तो चेंज नहीं होगा, मतलब कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि हाइट जो होता है, हाइट जो होता है वो ट्वाइस ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय बेस होता है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब बेस का मतलब क्या है, एक तरीके से साइड ही है। तो अगर त्रिभुज के भुजाएं दी हुई है और यहां पर बेस यहां आपको निकालना है, तो सबसे पहली बात आप समझिए कि हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड होता है, हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड होता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी ट्रायंगल में बना दो इस तरीके से एबीसी, तो इसका हाइट यदि एच वन है तो इसका साइड ए हो जाएगा, तो ए एच वन बनेगा, ये हाफ इंटू ए एच वन, ठीक है, हाफ इंटू ए एच वन, ये पहला वाला साइड हो गया, पहला वाला ट्रायंगल का एरिया हो गया इस तरीके से। अगर यहां से अगर मैं बनाऊं एच टू हाइट, इसका साइड बी टू है, तो इस ट्रायंगल का एरिया ऐसा भी होता है हाफ इंटू बी एच टू, बराबर। यहां से यदि मैं तीसरा साइड बना दूं एच टू हाइट का, यहां से सी साइड है इसका, तो इसका एरिया हाफ इंटू सी एच थ्री भी होता है, ठीक है, एच थ्री है सॉरी। मतलब कि अगर एच वन एच टू एच थ्री आपको दे दिया जाए और आपसे पूछे ए वन ए टू, मतलब कि साइड्स का रेशियो पूछे, तो आपको यह समझना होगा कि साइड का जो रेशियो होता है ए अनुपात बी अनुपात सी, जो साइड होंगे 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3 होता है। यानी जो साइड का रेशियो होता है वो इसके हाइट के रेशियो का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, ये आपको समझना होगा यहां पे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 1/3:1/4:1/5, क्या वैल्यूज आएंगे, देखिए 3, 4, 5 देखते साथ, इसका एलसीएम 60 होना चाहिए, ठीक है। तो 60 से ऊपर नीचे, मतलब कि मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं एलसीएम से तीनों में, 60 से मल्टीप्लाई करते साथ आपको समझ में आएगा कि ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा 20, ये जो वैल्यू बन जाएगा 15 और ये जो वैल्यू बन जाएगा 12। तो अगर आपको कंपेयर करना है कौन सा वैल्यू बड़ा कौन सा छोटा, तो आपको दो छोटे साइड्स ले लेने पड़ेंगे, मतलब इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, एक्यूट राइट या ऑब्ट्यूस में से होगा। और इसको देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये 12 है, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, बताइए भाई कितना होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और यहां पर आपका 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर तो सीधा का सीधा 400 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो यहां पर बन जाएगा 9, इन दोनों को जोड़ दूं तो बन जाएगा यहां पर 6, इन दोनों को जोड़ दूं तो बन जाएगा 369 तो छोटा है ना, अगर 369 छोटा है 400 बड़ा है तो यह ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, सी जो है सवाल का सही उत्तर। यहां तक क्लियर है बातें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब तीनों के तीनों साइड्स जो है वो इक्वल नहीं हो सकते, साथ में ये भी बोला गया है कि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे दो कंडीशंस होने पर आपको समझना होगा, विषम बाहु है और साथ में एक्यूट एंगल है, तो यहां पर सबसे पहली बात, ये जो एक्स है इसका एक रेंज होता है, सबसे पहला रेंज तो हम जानते ही है कि ये 22+14 से छोटा रहे छोटा रहेगा और 22-14 से बड़ा रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया, ये बन जाएगा 36, इन दोनों को घटाने पर कितना बन जाएगा, बन जाएगा 8, 8 से बड़ा और 36 से छोटा रहेगा, करेक्ट। अब यहां पर स्केलिन ट्रायंगल है तो इसका मतलब, अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि अगर आपको बोला गया कि 22 इज द लार्जेस्ट साइड, तो 14 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर जो है ये बड़ा रहेगा 22 के स्क्वायर से, ये एक सेकेंड रेंज निकाल के देगा x का, क्योंकि हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि x 8 से बड़ा है, लेकिन कुछ और वैल्यू भी हो सकता है, क्योंकि x, ये जो ट्रायंगल है वो कोई भी ट्रायंगल नहीं है, वो स्केलिन ट्रायंगल होने के साथ साथ सबसे, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या कहता है कि 14 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ग्रेटर देन 22 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196,
प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 484, बराबर। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अगर 200 माइनस करना है, पूरा का पूरा 200 माइनस कर देंगे तो 284 आएगा, बट 284 थोड़ी मतलब 200 थोड़ी माइनस करना था, 196 माइनस करना था, तो 4 बड़ा रहेगा 288। अब एक्स स्क्वायर जो है ये आपका 289 हो सकता है, और 289 है 17 का स्क्वायर, मतलब कि एक्स जो है ये 17 से बड़ा हो सकता है, 17 से बड़ा मतलब आप 17 के नीचे जाएंगे तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा ही नहीं, मतलब आपको ये समझना होगा x का जो मिनिमम वैल्यू है वो होगा 17, ठीक है, 17 के बराबर हो सकता है लेकिन 17 से छोटा नहीं हो सकता। तो x का मिनिमम वैल्यू तो हो गया भाई यहां पर 17, x के मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये 36 से छोटा दिया, लेकिन एक कंडीशन और समझना होगा कि भुजा जो 22 है सबसे बड़ी भुजा है और ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, तो आप x इक्वल टू x को 22 से छोटा होना पड़ेगा, 22 के बराबर भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलिन ट्रायंगल है जिसमें सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, तो x का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो 21 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू जो है वो 17 हो सकता है। आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज निकालने को कहा गया था, 17 21, तो ये 38 आ रहा है, 38 को आधा बांट दोगे तो यहां पर 19 जो है इसका एवरेज बन जाएगा, तो बी जो है सवाल का सही उत्तर है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए एक आखिरी सवाल देखते हैं यहां पर, थ्री साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर 15 17 एंड x सेंटीमीटर्स, x इज एन इंटीजर, हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। न्यून कोण त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं हैं 15 17 और x, x एक पूर्णांक है तो कितनी भुजाएं संभव है ये बताना है। तो देखिए यहां पर दो कंडीशन बन सकता है, x लार्जेस्ट साइड हो और दूसरा कि 17 लार्जेस्ट साइड हो, क्योंकि यहां पर दो ही कंडीशन बन सकता है, 17 तो 15 से बड़ा ही है। अब x 17 से बड़ा है कि छोटा है ये नहीं पता, क्योंकि आपको पता है न्यून कोण त्रिभुज का जो कंडीशन ये होता है कि बाकी दो भुजाएं हैं 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए किससे, x से बड़ा होना चाहिए, ठीक, x स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, सॉरी, ठीक। और इस कंडीशन में जब 17 स्क्वायर सबसे बड़ा साइड है तो 17 स्क्वायर जो है ये बड़ा होना चाहिए 15 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर से, बराबर, तभी जाके न्यून कोण त्रिभुज बनता है। बाकी जो कॉमन कंडीशन है वो तो दोनों में अप्लाइड होंगी होंगी, और कॉमन कंडीशन क्या है कि x जो है ये 15 प्लस 17 से छोटा रहेगा, लेकिन 15 माइनस 17 से बड़ा रहेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, 2 से बड़ा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 32 से छोटा, ठीक है, 32 से छोटा, मतलब इस रेंज में आपका x का वैल्यू हो सकता है, ये कंडीशन दोनों में अप्लाइड है। ये तो ट्रायंगल का कंडीशन है, तो वो बड़ी चीज है, तो उससे छोटी चीज ये है कि यहां पर ये एक्यूट एंगल भी होना चाहिए, तो पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, दोनों केसेस आपको फॉलो करने होंगे। तो जब x सबसे बड़ा साइड हम मान लेते हैं, ठीक, मतलब x जो है वो 17 से बड़ा होगा इस केस में, सबसे पहली बात तो जो है x, अच्छा 17 से छोटा होगा इस केस में, x जो है वो 17 से छोटा होना चाहिए इस केस में। दूसरी बात, यहां वाले कंडीशन में x जो है लार्जेस्ट साइड है तो 17 से बड़ा होना चाहिए इस केस में, बराबर। चलिए अब इन दोनों के बाद यहां पर आप देखेंगे x स्क्वायर की बात करें तो x स्क्वायर ग्रेटर देन कह रहा है किससे, 17 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर से। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर होता क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी मतलब कि 32, a माइनस बी यानी कि 2, मतलब कि 64 बन गया, मतलब x इज ग्रेटर देन 8 हो गया, मतलब x 8 से तो बड़ा है लेकिन 17 से यहां पर छोटा है, मतलब ये इसका रेंज हो जाएगा। इस वाले कंडीशन की बात करें तो 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर होता कितना है, 225 होता है 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहां 14 आ रहा है, फिर 11 और ये 514, मतलब x स्क्वायर जो है ये छोटा है किससे, 514 से। और आप जानते हैं इससे छोटा यदि आपको कोई स्क्वायर चाहिए तो वो आएगा 484 का, मतलब x इज लेस देन 22 हो जाए, 23 तो 529 हो गया, लेस देन इक्वल टू 22, मतलब 22 हो सकता है और यहां 17 से बड़ा मतलब कि 18 से ऊपर हो सकता है, ठीक है, मतलब कि हम रेंज की बात करें तो इसी रेंज में जो है x के वैल्यूज हो सकते हैं। तो x के कितने, क्या पूछ रहा था आपसे, देन हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। तो देखिए x का मान क्या क्या हो सकता है, यहां से अगर देखा जाए तो 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16, 16 के बाद यहां 17 हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यहां हमने 17 या 17 से छोटा इसलिए कहा था क्योंकि 17 सबसे बड़ा साइड है, और क्या आपको यहां पर दिया है
कि ये एक स्केलिन ट्रायंगल है, नहीं दिया है। मतलब स्केलिन ट्रायंगल हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। तो 17 की वैलिडिटी चेक कर लेते हैं। अगर मैं 17 यहां पर मान लूं इसको, तो 17 मानने पर 15, 17, 17 एक ट्रायंगल बनेगा। यहां पर भी 15, 17, 17 ट्रायंगल। क्या एक्यूट एंगल वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है? बिल्कुल फॉलो हो रहा है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कट गया। 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, जो कि 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब 17 आप ले सकते हैं यहां पर। फिर आएगा 18, 19, 20, 21, ठीक है, उसके बाद 22 भी आप ले सकते हैं। तो इतने वैल्यूज हैं जो कि पॉसिबल है x के। तो बताइए कितने हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 संभव मान है जो x यहां पर ले सकता है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस वीडियो को अब मैं यहां पर रोकता हूं। आने वाले वीडियो में हमें और भी चीजें सीखनी है ट्रायंगल से रिलेटेड, साइन रूल, कोसाइन रूल और बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे ट्रायंगल्स में। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।